यो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आपनों राजस्थान पर। ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, जबरदस्त रहें, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। ठीक है मेरे नौजवान साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। आज जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 11, जिसके हम क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, बिल्कुल आप सबको बेहतरीन तरीके से चीजें पता होनी चाहिए। स्वागत है भाई किरण और सभी साथी, जल्दी से जुड़ जाइए। नियम नंबर 87 से 126 तक की बात हम यहां पर करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें बेहतरीन तरीके से हम आगे देख सकते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ से चर्चा कर लीजिए और जल्दी से आ जाइए। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, नमस्कार, इस्तकबाल। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन, हाँ ये लीजिए, नियम नंबर 87, नियम नंबर 87 किससे संबंधित है, नियम 87 किससे संबंधित है, बताइए नियम 87 किससे संबंधित है, ठीक है। अकाउंट्स की क्लास शनिवार को ही तो नहीं हुई, ठीक है, आज टेस्ट करवा रहा हूं। सोमवार से शनिवार मैं थोड़ा बिजी था, तुम्हारे वो मांग वांग के चक्कर में कल गए था, मैं बताया था कल उपेन जी से भी मुलाकात हुई, उपेन से भी मुलाकात हुई, तो सारी बातें हैं उसके लिए भी हम बताएंगे आपको कैसे क्या रही है बातें, उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। विज्ञप्ति जल्दी ही जारी होगी, बस कुछ आप ही के हितों के लिए उसको थोड़ा रोका जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि मिनिमम 40% का क्राइटेरिया सेट हो जाए और जो लाखों बच्चे बेरोजगार रहने की ओर अग्रसर हैं वो बेरोजगार ना रहें, ठीक है। हाँ तो अब जवाब देने आ जाइए, तो नियम 87 किससे संबंधित है, नियम 87 की अगर हम बात करें कि जो वेत अवकाश है स्थायी कर्मचारी, ठीक है, यहां से अगर ये ऑप्शन में ना हो, ये ऑप्शन में ना हो, ठीक है, तो एक चीज आएगा प्रायोज्यता, एक शब्द होता है प्रायोज्यता, यानी कि नॉर्मल सी बात की गई है, प्रायोजकता, ठीक है, प्रायोज्यता, हाँ ये जो शब्द है, यहां से आप चीजें देख सकते हैं, इसका मतलब भी यही है कि शुरुआत के दिनों में यहां से बात की गई है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, फटाफट से मतलब शानदार सेशन होना चाहिए यार दोस्तों, तुमको पूरी थ्योरी पढ़ा दी, तुमको फिर तुम्हारे माइंड को देखो, हम जब जिम में जाते हैं तो हेल्थ अच्छी होती है, जब हम माइंड से कुछ काम करते हैं, दिमाग की कसरत करते हैं तो दिमाग मजबूत होता है, तो ये दिमाग की कसरत वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अवकाश लेखा किसके पास रखा जाएगा, अवकाश लेखा जो है वो किसके पास रखा जाएगा, अवकाश लेखा किसके पास रखा जाएगा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा, अवकाश लेखा किसके पास रखा जाएगा, ठीक है। हाँ कर्तव्य के आधार पर, वेरी गुड साथियों, अवकाश लेखा किसके पास रखा जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए, अवकाश लेखा किसके पास रखा जाएगा, तो यहां पर सही जवाब क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सही जवाब रहने वाला है कि जो भैया अवकाश लेखा है, अवकाश लेखा सक्षम अधिकारी नियम नंबर 87A, सक्षम अधिकारी नियम नंबर, हाँ लेखाधिकारी या सक्षम अधिकारी नियम नंबर 87A हमें यह कहता है कि भैया जो अवकाश लेखा है वो सक्षम अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा, ठीक है। हाँ क्लियर है, नियम नंबर 87A इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अराजपत्रित अधिकारियों का अवकाश लेखा किसके पास रखा जाएगा, अराजपत्रित अधिकारियों का जो लेखा है वह किसके पास रखा जाएगा, हाँ जल्दी जल्दी बताइए, अराजपत्रित अवकाशों का लेखा किसके समक्ष रखा जाएगा, अराजपत्रित अधिकारियों का लेखा, तो अराजपत्रित अधिकारियों का जो अवकाश है, अवकाश लेखा किसके पास रखा जाएगा, ये जो अवकाश लेखा है वो रखा जाएगा नियम 87B के तहत विभागाध्यक्ष को रखा जाएगा, विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष, ठीक है। अंकित वर्मा सर जी, मेरा रीट में भी नंबर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंकित, ये एक बहुत पुराना विद्यार्थी है हमारा और इसने 2 से 3 जॉब अब देख ली, मतलब चयनित हो चुका है 2 से 3 पोस्टों पर, तो अंकित बहुत बहुत बधाई बेटा तेरे को, बहुत बहुत बधाई,
ठीक है, अगर जयपुर में है तो मिल यार कभी, ठीक है। तो देखिए, अराजपत्रित अधिकारियों का अवकाश लेखा किसके पास रखा जाएगा, नियम नंबर 87B, विभाग के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा, विभाग के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न प्रकार के अवकाशों को आपस में निरंतरता से स्वीकृत किया जा सकता है, किस नियम से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के, हाँ, विभिन्न प्रकार के अवकाशों को आपस में निरंतरता से स्वीकृत किया जा सकता है, किस नियम से यह संबंधित है, बताइए कौन से रूल में यह बात की गई है। सर आपकी 115 दिन वाली, ओके ठीक है। वैसे जो आपको पीडीएफ मिल रखी है उसमें आप एक बार ये भी देख लें कि आप यार सब पीडीएफ को देख लें भाई, क्रमबद्ध रूप से है या नहीं है। हाँ, तो विभिन्न प्रकार के अवकाशों को आपस में निरंतरता से स्वीकृत किया जा सकता है, किस, मैंने डेट वाइज डाल रखी है कि इस तारीख की यह है, इस तारीख की यह है, इस तारीख की यह है, और इसमें नियम नंबर जो है, इसमें दोस्तों जो नियम है वह नियम नंबर है 88, नियम नंबर 88 के तहत ऐसा किया गया है, नियम नंबर 88 के तहत, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, सेवानिवृत्ति की दिनांक, लाइक शेयर करें फटाफट सेशन को, सेवानिवृत्ति की दिनांक के उपरांत अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकते, सेवानिवृत्ति की दिनांक के उपरांत हम जो हैं वह अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकते, बताइए क्या जवाब होगा। हेलो हेलो नमस्कार, वेरी गुड, हाँ भाई, हाँ जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ, क्लियर है, लाइक शेयर करें, आंकड़ा बदलें फटाफट। तो नियम नंबर 89, नियम नंबर 89 हमें इसकी जानकारी देता है। देखो, जो टॉपिक के बाद में आपको वन लाइनर टेस्ट करवा रहा हूं, जैसे ही आरएसआर खत्म होगा, मैंने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर दिए हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, फिर मिक्सअप में करवाएंगे, मिक्सअप में, ठीक है, एक दिन मैराथन लेंगे, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 90 कब विलोपित किया गया, नियम 90 कब विलोपित किया गया, नियम नंबर 19 है उसको कब विलोपित कर दिया गया, वेरी गुड, सभी साथियों का जवाब सही आ रहा है। हाँ, नियम 90 कब विलोपित कर दिया गया, तो नियम नंबर जो 90 है वो कब विलोपित कर दिया गया, वो विलोपित किया गया 28/10/1957 को, कब विलोपित किया गया, 28/10/1957 को इसे विलोपित कर दिया गया, 28/10/1957 को इसे विलोपित कर दिया गया। उपार्जित अवकाश, उपार्जित अवकाश एक वर्ष में कितना दे कर सकते हैं तथा किस नियम से संबंधित है और कब लागू हुआ, एक ही प्रश्न में आपसे तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, एक ही प्रश्न से आपसे तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। उपार्जित अवकाश एक वर्ष में कितना दे होगा, पहला क्वेश्चन, उपार्जित अवकाश एक वर्ष में कितना दे होगा, लाइक शेयर करें, एक वर्ष में कितना दे होंगे, 30 दिन, कितने दे होंगे, 30 दिन, 15-15 के फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद किस नियम से संबंधित है उपार्जित अवकाश, उपार्जित अवकाश नियम नंबर 91, हाय हेलो नमस्कार, तो ये किस नियम से है, तो यहां पर नियम नंबर कौन सा है, नियम नंबर 91। तीसरा क्वेश्चन है, कब लागू हुआ, तो 22 फरवरी 1983, कब लागू हुआ, 22 फेब, तो ये लागू हुआ 22 फरवरी 1983 को यह लागू हुआ। हाँ, नहीं पूछेगा, सही है, आई एम एग्री विद यू कुशाल, हाँ इतना नहीं लेना लोड, ठीक है।
ओके, सशस्त्र पुलिस बल सदस्य आर ए सी, सशस्त्र पुलिस सदस्य कितना उपार्जित अवकाश एक वर्ष में दे कर सकता है, कितना उपार्जित अवकाश एक वर्ष में दे कर सकता है, बताइए। हाँ जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें। स्वागत है भाई राजेंद्र, ऑफिशियल कविता, कोमल, किरण, कुशाल, फटाफट सेशन को लाइक शेयर भी कर दें, यही आपकी फीस है, कोई फीस नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और फ्री में आप चीजों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। हाँ तो सशस्त्र पुलिस बल में 42 डेज सबको पता है, 42 डेज 42 दिन, परंतु एक चीज और ध्यान रख लें, अगर कोई कर्मचारी माह के बीच में या 6 माह वाले कंसेप्ट के दौरान अगर ज्वाइन करता है माह के बीच में, तो उसे प्रति माह आरएसी वाला बंदा है उसे तो 3.5 और जो सामान्य है उसे 2.5 अवकाश प्रति माह दे होगा। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यायालयिक कर्मचारी कितना उपार्जित अवकाश एक वर्ष में दे कर सकता है, न्यायालयिक कर्मचारी यानी विश्रामकालीन है न्यायालयिक कर्मचारी, 52 है, बिल्कुल मस्त रहे राजेंद्र जी, पढ़ते रहें छोरों टिंगरों, पढ़ लो, ठीक है। हाँ, एक न्यायालयिक कर्मचारी कितना उपार्जित अवकाश एक वर्ष में दे कर सकता है, विश्रामकालीन कर्मचारी, राइट है, क्या होगा 12, क्या होगा, कितने उपार्जित अवकाश कर सकता है 12। यहां पर भी रूल कौन सा लगेगा, यहां पर भी रूल लगेगा मेरे नौजवान साथियों, नियम नंबर 91, यहां पर भी कौन सा रूल लगेगा, नियम नंबर 91 और 18, 6 जोड़ा जा सकता है, किस कंडीशन में जोड़ा जाएगा 6, जल्दी से बताओ किस कंडीशन में जोड़ा जाएगा, किस कंडीशन में, हाँ चलिए, विपरीत परिस्थितियों में उसे 8 अवकाश और दे होंगे, क्यों, सिविल का होता है उपार्जित अवकाश, एक वर्ष में दे कर सकता है, सामान्य कर्मचारी को 30 अवकाश दे होते हैं वर्ष में, 30, 15 और 15, आरएसी वाले को 42, न्यायालयिक या विश्राम कर्मचारी को 12, परंतु अगर उसने ये 12 नहीं लिए हैं तो 18, सरकार शिक्षा विभाग 12, ठीक है। हाँ चलिए, आरएसआर के किस नियम के अंतर्गत अधिकतम 300 प्लस 15 दिनों का उपार्जित अवकाश जमा कर सकते हैं, यह कब लागू हुआ, अधिकतम 300 प्लस 15 दिनों का उपार्जित अवकाश कर सकते हैं यह कब हुआ, बताइए। हां विश्राम काल की बात कर रहा हूं मैं, अधिकतम 300 से मैक्सिमम अवकाश आप नहीं रख सकते हैं, पर कुछ विपरीत परिस्थितियों में 300 प्लस 15, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में अधिकतम 300 प्लस 15, 1/1/1998, ठीक है, क्या जवाब होगा इसका, ये नियम 91 की ही परिभाषा में है और 01/01/1998 ये कब लागू हुआ, इसी से इसको पूछा जाएगा, इसी के आधार पर इसे पूछा जाएगा, बहुत ही ज्यादा रियर केसेस, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, यहां पर दिया जाएगा। सशस्त्र पुलिस बल होने पर अधिकतम कितना उपार्जित अवकाश जमा कर सकते हैं, सशस्त्र पुलिस बल के होने पर अधिकतम कितना उपार्जित अवकाश कर सकते हैं, वो आरएसी वाले के मामले में ही था 15 दिन,
तो अब मुझे बताइए आरएसी के मामले में था वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया, यहां बता रहा हूं, ठीक है, यहां बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से याद रखिए, सशस्त्र पुलिस बल 300 से अधिक रख सकता है, और ये उसी कंडीशन उसी दिन वाला मामला याद रखिएगा जो 1/1/1998 वाली बात कह रहा है, ठीक है, 1/1/1998 की जो बात है, तो ये इसी के लिए है 1/1/1998। इसको हर जगह छूट है, इसको हर जगह छूट दी गई है, याद रखिएगा। चलिए, एक राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम कितना उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? हाँ बताओ, एक राज्य कर्मचारी को एक समय में कितना उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? हाँ, एक राज्य कर्मचारी को एक बार में कितना उपार्जित अवकाश है जो स्वीकृत किया जा सकता है? तो आप सबको पता होगा 120 दिन। कितना किया जा सकता है? एक बार में 120 दिन उपार्जित अवकाश है जो स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा प्रश्न है, पढ़ो आराम से। एक कर्मचारी अधिकतम कितने दिन का, सुनना मेरी बात, एक कर्मचारी अधिकतम कितने दिन का उपार्जित अवकाश समर्पित करके नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है तथा यह किस नियम से संबंधित है और कब लागू हुआ? एक राज्य कर्मचारी कितने दिन का उपार्जित अवकाश समर्पित करके नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है, यह नियम किससे संबंधित है बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुशाल सबसे पहले जवाब दिया और सबसे प्यारा जवाब दिया। एक को कितने मिलेंगे? 30। हमने कहा था 30 का आधा, 15 को आप नगद में बदल सकते हैं और 15 को आप शेष रख सकते हैं 1/2। आंसर क्या होगा? 15 दिन होगा, नियम नंबर 91 के, नियम 91 के 15 दिन। और अगर तारीख की बात यहां पर कर ली जाए तो 1983 में यह घटना घटित हुई, और कब? 01/01/1983 से, क्लियर है। हाँ, 01/01/1983 से यह मामला क्या हुआ, बिल्कुल सेट हुआ। कुशाल कोमल उदय कप्तान, कप्तान कप्तान है। चलिए, सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के बदले में नगद भुगतान अधिकतम कितने दिन के लिए किया जाएगा तथा नगद भुगतान किस प्रकार दिया जाएगा? हाँ, बताइए, एक फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, उसको भी याद रखिएगा, प्यारा सा फॉर्मूला है। लाइक शेयर कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। संजय सरस्वती टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के बदले में नगद भुगतान अधिकतम कितने दिन के लिए? सीधा सा बात है, आप 300 दिन रिजर्व रख सकते हैं। सामान्य कर्मचारी की बात कर रहा है, 300 दिन लिखते हैं यहां पर, अधिकतम शब्द लिखते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। अधिकतम 300 दिन, ठीक है, एक मुश्त दिया जाएगा, चलो ये मैंने बताया था, लिखवा देता हूं। पर प्रश्न में पूछ रहा है किस प्रकार दिया जाएगा एक मुश्त। एक चीज और देख लो यार, सीधी सी बात है, उसकी जो पे ग्रेड है, उसको जो वेतन है, प्लस जो डीए जितने भी अलाउंस है, डीए रिटायरमेंट डेट, डीए ऑन रिटायरमेंट डेट, डेट बट्टा 30, एक दिन का आ जाएगा अपने आप ही कैलकुलेशन,
गुणा नंबर ऑफ पीएल, गुणा नंबर ऑफ पीएल विदाउट एचआरए, राइट राइट विदाउट एचआरए, ठीक है। मैंने लिखा भी नहीं डीए, बस डीए जो बढ़ता है ना डीए, वो वाली बात है। ओके क्लियर है, चलूं आगे। ओके नियम नंबर 91 ख किससे संबंधित है और कब लागू हुआ? नियम नंबर 91 ख किससे संबंधित है और कब लागू हुआ बताइए? नियम नंबर 91 ख, हाँ, सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान दूसरा क्वेश्चन है कब लागू हुआ, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है यहां से कब लागू हुआ, तो 20/8/2001 से, 20/8/2001 से, ठीक है, 20/8/2001 से। चलिए आगे देखिए, वेरी गुड दोस्तों, आगे देखो। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए तो उसको पीएल कब से दे होगा, यह किस नियम से संबंधित है, वह कब लागू हुआ? यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए, हाँ, तो उसको पीएल कब से दे होगा, यह किस नियम संबंधित है? हाँ, कब से होगा? मृत्यु की दिनांक से 1 नियम कौन सा है? 91 ग, 91(3) या ग, और 1996 में इसे लागू किया गया, 1996 में। इसे क्या लागू किया गया? 1996 में इसे लागू किया गया। अगले प्रश्न को देखिए, यदि कोई कर्मचारी विश्राम काल में अवकाश का पूर्ण उपयोग कर ले तो उसे कोई पीएल नहीं दिया जाएगा, किस नियम से संबंधित था, कब लागू हुआ? यदि कोई कर्मचारी विश्राम काल में अवकाश का पूर्ण उपयोग कर ले तो उसे कोई पीएल दे नहीं दिया जाएगा, किस नियम से संबंधित है बताइए? हाँ सुनील, उदय, कोमल, बताओ भाई। हाँ तो नियम 92, नियम नंबर 92 जो 1/10/1994 को लागू हुआ, एक कैलेंडर वर्ष में विश्राम काल में कितनी पीएल दी जाती है? एक कैलेंडर वर्ष में विश्राम काल में कितनी पीएल दी जाती है बताइए? तो एक कैलेंडर वर्ष में विश्राम काल में 15 PL दी जाती है। नियम 93 कब लागू किया गया? बताओ जल्दी से, नियम 93 कब लागू किया गया? तो नियम नंबर 93 जो है वह 1/1/1983 को, एक कर्मचारी का प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर कितना अर्ध वेतन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है?
एक कर्मचारी का प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर, एक कर्मचारी का प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर कितना अर्ध वेतन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। हाँ, एक वर्ष की अगर उसने सेवा पूर्ण कर ली है तो आपको पता है उसे 20 दिन का, उसे क्या 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। एक कर्मचारी का संपूर्ण सेवा काल में कितना अदेय अवकाश दिया जाएगा, एक कर्मचारी का संपूर्ण सेवा काल में, संपूर्ण सेवा काल में अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, संपूर्ण सेवा काल में कितना अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, तो संपूर्ण सेवा काल में 360 दिन, संपूर्ण सेवा काल में 360 दिन, संपूर्ण सेवा काल आजीवन जितना उसका जॉब का ड्यूरेशन है, एक कर्मचारी को एक बार में कितना अदेय अवकाश दिया जा सकता है, एक कर्मचारी को एक बार में कितना अदेय अवकाश दिया जा सकता है। हाँ, बताइए 90 दिन, नियम 93 का कब लागू हुआ, नियम नंबर 93 का, तो नियम नंबर 93 का कब लागू हुआ, 1980 में लागू हुआ, 1 जुलाई 1980 को। पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्य जो क्षय रोग से पीड़ित है, टीबी हो गई, कितना चिकित्सा अवकाश दे होगा, पुलिस अधीनस्थ सेवा के कोई कर्मचारी हैं जो क्षय रोग से पीड़ित हैं, पुलिस अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी जो क्षय रोग से पीड़ित हैं उन्हें कितना अवकाश चिकित्सा अवकाश दे होगा। हाँ बताइए, क्षय रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें कितना चिकित्सा अवकाश दे होगा, 6 माह, कितना माह, 6 माह, कितना दे होगा दोस्तों, 6 माह दे होगा। सेवा समाप्ति पर अवकाशों की देयता किस नियम से संबंधित है, कब लागू हुआ, सेवा समाप्ति पर अवकाशों की देयता, सेवा समाप्ति पर अवकाशों की देयता, सेवा समाप्ति पर अवकाशों की देयता, हाँ सेवा समाप्ति पर अवकाशों की देयता किस नियम से, नियम 94 और 1/1/1983। अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्ति पर कितनी टर्मिनल लीव का भुगतान किया जाएगा, सेवा समाप्ति पर अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्ति पर कितनी टर्मिनल लीव का भुगतान किया जाएगा। हाँ बेचारे ने छुट्टियां ही नहीं ली, काम पे काम करता रहा, रिटायर्ड हो गया, तो कितनी टर्मिनल लीव का भुगतान किया जाएगा, 300 दिन की टर्मिनल लीव का इसे भुगतान किया जाएगा। नियम नंबर 94 का किससे संबंधित है और कब लागू हुआ, नियम नंबर 94 का किससे संबंधित है और कब लागू हुआ, हाँ नियम नंबर 94 का बताओ भाई सभी साथी, तो नियम नंबर 94 का है असाधारण अवकाश नहीं, विश्राम काल, नियम नंबर 94 का है विश्राम काल और 11 जनवरी 1956, 11 जनवरी 1956 से यह हुआ, ठीक है विश्राम काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियम 96 किससे संबंधित है तथा कब लागू हुआ, नियम नंबर 96 किससे संबंधित है और कब लागू हुआ बताइए, नियम नंबर 96 किससे संबंधित है और कब लागू हुआ जल्दी से बताओ। हाँ नियम नंबर 96,
तो नियम नंबर 96 का संबंध है दोस्तों असाधारण अवकाश से। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल कर्तव्य के रूप में मानते हैं, बिल्कुल सही है कोमल, वेरी गुड। नियम नंबर 96 असाधारण अवकाश, असाधारण अवकाश और यह 12/12/1953। जब कोई अवकाश शेष न बचे तो कौन सा अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं, जब कोई अवकाश ही ना बचे तो कौन सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जब कोई अवकाश ना बचे तो कौन सा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। सीधी सी बात है, सबको पता है, असाधारण अवकाश है उसे स्वीकृत किया जाएगा, ईओएस। असाधारण अवकाश अधिकतम कितना दिया जा सकता है, असाधारण अवकाश अधिकतम कितना दिया जा सकता है, जल्दी से बताओ। असाधारण अवकाश अधिकतम कितना दिया जा सकता है, तो असाधारण अवकाश अधिकतम कितना दिया जा सकता है, 18 माह का। अधिकतम कितना दिया जा सकता है, 18 माह का दिया जा सकता है। नियम नंबर 97 कब लागू हुआ, नियम नंबर 97 है वह कब लागू हुआ, हेलो नमस्कार, नियम नंबर 97 कब लागू हुआ बताओ। June 1, 1976 को। नियम नंबर 99 किससे संबंधित है, नियम नंबर 99 किससे संबंधित है, तो नियम नंबर 99 विशेष असमर्थता अवकाश, विशेष असमर्थता अवकाश, नियम नंबर 99 किससे संबंधित है, विशेष असमर्थता अवकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष असमर्थता अवकाश कब दिया जाता है, विशेष असमर्थता अवकाश कब दिया जाता है, जब दिया जाता है सेवा के दौरान, चोट लगने पर, सेवा के दौरान चोट लगने पर विशेष असमर्थता अवकाश दिया जाता है, सेवा के दौरान चोट लगने पर। असैनिक कर्मचारियों पर विशेष असमर्थता अवकाश नियम प्रभावी होना किस नियम से संबंधित है, असैनिक कर्मचारियों पर विशेष असमर्थता अवकाश नियम प्रभावी होना किस नियम से संबंधित है, हाँ बताओ भाई। हाँ तो क्या होगा, नियम नंबर 101 से संबंधित है। सरकारी सेवा में दुर्घटनाग्रस्त हुए कर्मचारी को अवकाश किस नियम से संबंधित है, सरकारी सेवा में दुर्घटनाग्रस्त हुए, हाँ कर्मचारी अवकाश किस नियम से संबंधित है, तो सरकारी सेवा में नियम 102, कौन सा नियम है, नियम 102। प्रसूति अवकाश किस नियम से संबंधित है और कब लागू हुआ, प्रसूति अवकाश किस नियम से संबंधित है और कब लागू हुआ, जल्दी से बताओ, फटाफट लाइक शेयर करो। प्रसूति अवकाश नियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 6/12/2004 को, कब लागू हुआ, 6/12/2004 को लागू हुआ। महिला कर्मचारी को कितने दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकता है, तो
11/10/2008 के अनुसार कितने दिन का? 180 दिन। दो जीवित संतान तक, नियम नंबर 103 का किससे संबंधित है तथा कब लागू हुआ? नियम नंबर 103 का किससे संबंधित है और कब लागू हुआ? तो नियम नंबर 103 का की अगर हम यहां पर बात करें तो 6/12/2004 और पितृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, एक पिता को कितने दिन का अधिकतम कितनी बार पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है? हैं, कितने दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा? और तो कितने दिन का? 15 दिन। कितनी बार अधिकतम दो बार, अधिकतम दो बार प्रसूति अवकाश के साथ अन्य अवकाशों को जोड़ा जा सकता है तथा किस नियम से संबंधित है और कब लागू हुआ? निरंतरता से जोड़ा जा सकता है, प्रसूति अवकाश के साथ अन्य अवकाशों को ऐड किया जा सकता है, ऐसा कौन से रूल में हमें जानकारी मिलती है? तो ये 26 फरवरी 2002 का घटनाक्रम है और प्रसूति अवकाश के साथ अन्य अवकाशों को भी जोड़ा जा सकता है, तो नियम नंबर 104। चिकित्सा अवकाश एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी को सक्षम अधिकारी स्वीकृत कर सकता है, यह किस नियम से संबंधित है? चिकित्सा अवकाश एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी को सक्षम अधिकारी स्वीकृत कर सकता है, किस नियम से संबंधित है? तो यह किस नियम से संबंधित है? नियम 105 से। चिकित्सा अवकाश के समय अवकाश वेतन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर सकते हैं, चिकित्सा अवकाश के समय अवकाश वेतन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर सकते हैं, यह बात कौन से नियम में कहती है? इसका भी नियम बताओ, किस नियम के अंतर्गत यह बात कही जाती है, किस नियम के अंतर्गत इसका उल्लेख है? हाँ, तो नियम 106, चिकित्सालय अवकाश के साथ अन्य अवकाशों को जोड़ा जा सकता है, यह कौन से नियम में है? चिकित्सालय अवकाश के साथ अन्य अवकाशों को जोड़ा जा सकता है, नियम यह कौन से नियम में है? चिकित्सालय अवकाश के साथ अन्य अवकाशों को भी जोड़ा जा सकता है, नियम नंबर 108। कौन ही आवे को के मतलब है भाई, पढ़ो, रिवीजन कौन करोगे थे, पढ़ लिया करो, टिंग रहा हूं। नियम 109 किससे संबंधित है? नियम 109 किससे संबंधित है बताइए, नियम 109 किससे संबंधित है? तो नियम 109 का संबंध है, बताओ किससे है? नियम नंबर 109 का संबंध किससे है? अध्ययन अवकाश, नियम नंबर 109 का संबंध किससे है? अध्ययन अवकाश से नियम नंबर 109 का संबंध है। अध्ययन अवकाश किनको नहीं दिया जाएगा? अध्ययन अवकाश किनको नहीं दिया जाएगा? उनको तो मिल ही नहीं सकता, उनके लिए कोई और कंडीशन है ही नहीं। अध्ययन अवकाश किनको नहीं दिया जाएगा? तो अध्ययन अवकाश जिस व्यक्ति ने 20 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली हो, जिस कर्मचारी ने 20 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली हो, अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना कौन सा नियम है?
अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना कौन से नियम में यह बात बताई गई है, बताइए कौन से नियम में यह बात बताई गई है कि अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना। तुम अभी 106 105 पर ही बैठे होगा, नियम नंबर 115, नियम नंबर 115। अन्य अवकाश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना कौन सा नियम है, अन्य अवकाश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना किस नियम की बात है, अन्य अवकाश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना किस नियम की बात है। तो अन्य अवकाश को अध्ययन अवकाश में नियम 116, नियम 117 किससे संबंधित है तथा कब लागू हुआ, नियम नंबर 117 किससे संबंधित है, तो यह है अध्ययन भत्ता, किससे संबंधित है, अध्ययन भत्ता से संबंधित है। और 28/4/1961 को विश्रामकालीन अवधि में अध्ययन भत्ता कितना स्वीकृत कर सकते हैं, विश्रामकालीन अवधि में अध्ययन भत्ता कितना स्वीकृत कर सकते हैं, विश्रामकालीन अवधि में 14 दिन, कितना 14 दिन, नियम 118, नियम नंबर 118। अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाण पत्र संकलन करना आवश्यक है, आपने क्या किया अध्ययन अवकाश में, कौन सी पढ़ाई की आवश्यक है, नियम 120। अध्ययन अवकाश पर जाने से पूर्व कर्मचारी को कौन सा पत्र करना आवश्यक है होगा तथा कौन सा नियम है, कौन सा पत्र करना आवश्यक होगा अध्ययन अवकाश पर जाने से पहले, कौन सा पत्र करना आवश्यक होगा, तो आपको पता है नियम नंबर 121 का बंद पत्र, एक बंद पत्र देना होगा, नियम नंबर 121 का एक बंद पत्र देना होगा। 121 का कब लागू हुआ, 121 का कब लागू हुआ, तो यह 1955 में 22/8/1955 को लागू हुआ, 22/8/1955 को यह लागू हुआ। ठीक है, 22/8/1955 को यह लागू हुआ। नेक्स्ट देखिए, परिवीक्षाधीन को अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर सकते हैं, कौन सा नियम है, परिवीक्षाधीन को अवकाश नियम के अनुसार स्वीकृत कर सकते हैं, तो यह बताता है नियम नंबर 122 में, कोई अर्जित अवकाश परिवीक्षाधीन को नहीं दिया जाएगा, कौन सा नियम व कब लागू हुआ, कोई अर्जित अवकाश परिवीक्षाधीन को नहीं दिया जाएगा, 20/1/2006 से, और नियम नंबर 122 का, नियम 122 का। विद्यार्थियों को अवकाश नियमानुसार दिया जा सकता है, कौन सा नियम है, विद्यार्थियों को अवकाश नियम के अनुसार दिया जा सकता है, विद्यार्थियों को अवकाश नियम के अनुसार दिया जा सकता है, नियम नंबर 123। नियम 124 किससे संबंधित है, बताओ रे जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो और फटाफट बताओ नियम नंबर 124 किससे संबंधित है, नियम 124 अंशकालीन कम समय के लिए, कुछ समय के लिए अंशकालीन सेवारत अंशकालीन सेवारत कर्मचारियों के हेतु। कार्यग्रहण काल नियम 127 से 140 कब निरस्त किए गए, तो यह 17 मार्च, अलग से करवाऊंगा ये एक दो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। कार्यग्रहण काल नियम के स्थान पर कौन सा नियम अधिसूचित किया गया है, बताओ कार्यग्रहण काल नियम के स्थान पर कौन सा नियम है जो अधिसूचित किया गया है,
कार्य ग्रहण काल के स्थान पर कौन सा नियम है जिसे अधिसूचित किया गया है? राजस्थान सेवा, राजस्थान सिविल सेवा नियम, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1981, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1981। अच्छा, इसने पीछे आंसर भी डाल दिए क्या? फिर तो तुम्हारे लिए पीडीएफ और ज्यादा कारगर साबित हो गई। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, पीछे आंसर भी डाल दिए ना। हाँ, ये देखो पीछे आंसर भी डाल दिए हैं, तो आप आंसर एक बार और देख लेना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, स्वविवेक से काम किया, अच्छा काम किया है। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर योर। तो ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको फ्री में सारी क्लासें दी जा रही हैं, कोई कीमत नहीं है, केवल इतना सा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस परिवार को 50,000 तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है नौजवान साथियों, जय हिंद, जय भारत साथियों।